हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जय प्रकाश गुप्ता, जेपी सर। स्टूडेंट, दिस वीडियो इट इज रिलेटेड विथ स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इज ईवीएस। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ओके स्टूडेंट, मच्छरों के लिए इलाज, मच्छरों का इलाज। ओके स्टूडेंट, ओके, लेट अस सी स्टूडेंट्स। ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टूडे, ही हैड बीन अब्सेंट फॉर मैनी डेज। हाउ आर यू नाउ, आस्क आरती। आई एम ऑल राइट रजत, रिप्लाइड सॉफ्टी। स्टूडेंट, रजत बहुत दिनों बाद स्कूल आता है, और वो बहुत दिनों से स्कूल में छुट्टी कर रहा था, मतलब हॉलीडेज का अब्सेंट था। हाउ आर, अब आप कैसे हो, ऐसा आरती ने पूछा। मैं ठीक हूँ, ऐसा रजत ने कहा। जसक्रीत, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट ऑफ लॉट वाइल यू वर एट होम। तुम घर पे बहुत खेल रहे होगे। रजत कहता है, हु वॉन्ट्स टू प्ले वैन यू हैव अ फेवर। कौन, जब आप बीमार हो तो कौन खेलना चाहता है, ऐसा रजत ने कहा। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, और ऊपर से मैंने कड़वे कड़वे दवाई भी लिए थे। I even had a blood test, मैंने यहाँ तक कि ब्लड टेस्ट भी करवाया था। जसक्रीत, अ ब्लड टेस्ट, why it must have been very painful। खून की जांच क्यों, ये तो बहुत दर्दनाक होता है। ओके स्टूडेंट, वो बहुत दर्द से भरा होता है। एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माई फिंगर, जब उसकी सुई मेरे उंगली में लगाई जाती है, इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट, ऐसा लगता है जैसे किसी चींटी ने काटा। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, वो 2-3 ड्रॉप खून के लेते हैं और टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया, इस तरह से हमें पता चलता है हमें मलेरिया हुआ था। ओके स्टूडेंट, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू, लेकिन आपको मलेरिया हुआ जब मच्छर ने आपको काटा। यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, पर हमें पता चलता है हम ब्लड टेस्ट से, खून की जांच से। जसक्रीत, देर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, बहुत सारे मच्छर मेरे घर पे हैं आजकल, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, पर मुझे मलेरिया हुआ था नहीं। नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेस मलेरिया, नैन्सी कहती है, कौन ऐसा कहता है कि सारे मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज, मलेरिया उसी मच्छर से होता है जो मॉस्किटोज, जो रोग कैरी करते हैं, रोग को लेकर जाते हैं मॉस्किटोज, मच्छरों से। आरती कहती है, ऑल मॉस्किटोज टूक द सेम टू मी, सारे मच्छर मुझे एक जैसे लगते हैं। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस जरूर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट हियर यू कैन सी, हियर इज ब्लड टेस्ट, द डॉक्टर इज टेकिंग ब्लड टेस्ट ऑफ वन फिंगर, नाउ इट सेंड टू द इन लेबोरेटरी एंड द लेडी इन द पिक्चर यू आर वॉचिंग, दिस लेडी इज टेस्टिंग द ब्लड टेस्ट ऑफ ब्लड टेकन ऑफ एनी पर्सन। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी, डिड दे टेक ब्लड टेस्ट फ्रॉम वेयर द प्लेस मॉस्किटो बाइट हैड बिटन यू। स्टूडेंट, इस पॉइंट पे ये कहा जा रहा है कि ब्लड टेस्ट किस तरह से होता है। रजत नैन्सी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से ब्लड को लिया जाता है, किस तरह से ब्लड को काट लेबोरेटरी में जाके टेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे इस तरह की बातचीत चल रही है कि मलेरिया किस तरह से होता है, किस किस तरह के फीवर होते हैं मलेरिया के, किस तरह से मलेरिया फैलते हैं, उसके क्या सिम्टम होते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, आप अपने घर में क्या करते हैं मच्छरों से बचने के लिए। दिस इज अ क्लिनिकली रिपोर्ट स्टूडेंट, रजत की क्लिनिकली रिपोर्ट आई है, खून के में मलेरिया जीवाणु पाए गए और उसके ब्लड में मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए।
एनीमिया व्हाट्स दैट? आरती यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ब्लड टेस्ट डन बट दे टूक अ सीरिंज फुल ऑफ ब्लड. उन्होंने सीरिंज में पूरा ब्लड खून ले लिया. द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया. और ब्लड टेस्ट में ये कहा गया कि मुझे एनीमिया हुआ है. रजत पूछते है व्हाट इज दैट, ये क्या है? आरती कहती है द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन आयरन इन द ब्लड. मेरे ब्लड में बहुत ही आयरन की कमी हो गई है. स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, ब्लड में अगर आयरन की कमी होती है देन यू शुड ईट जैगरी. जैगरी मतलब गुड़, आंवला और हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाने चाहिए जिससे आपके बॉडी में आयरन होता है और आयरन के कारण ही आपका ब्लड रेड दिखता है. क्योंकि आप जब व्हेन यू हिट द आयरन मोर देन इन हायर टेम्परेचर मोर देन 4000-5000 डिग्री सेंटीग्रेड देन यू विल सी आयरन विल बिकम रेड. रजत लाफिंग सो देन यू ईट आयरन और व्हाट, क्या तुमने लोहा खाया? आरती कहती सिल्ली मजाक मत करो. ओके स्टूडेंट, एनीमिया कॉमन इन डेली स्कूल. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्लिनिकल रिपोर्ट ऑफ आरती. ओके एनीमिया, लुक एट द आरती ब्लड रिपोर्ट, फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन. ओके स्टूडेंट, हियर इज मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन इज 12 to 16 ग्राम. ओके, तो आरती का हेमोग्लोबिन कितना है स्टूडेंट्स? 8 ग्राम, मिनिमम 8 ग्राम एंड मैक्सिमम इज 10.5 ग्राम. ओके नाउ व्हाट वाज फाइंड आउट द ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में क्या फाइंड किया गया था? आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन. अपने डॉक्टर या बड़ों से बातचीत कीजिए कि ऐसा फूड कौन सा है जिसमें आयरन लोहा पाया जाता है. तो लोहा किस किस में पाया जाता है? लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों में, और जैगरी गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी सब्जी की सब्जियाँ खाइए, हरे सब्जियाँ खाइए, देन यू विल गेट मोर आयरन इन योर बॉडी एंड योर ब्लड विल maintain proper then your blood maintains properly. Beware, they spread malaria, dengue, chikungunya. Dengue मच्छर जो होते हैं स्टूडेंट, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है. यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. स्टूडेंट यहाँ पे चेतावनी में क्या दिया गया है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मच्छरदानी का उपयोग कीजिए. कीप द वाटर पॉट्स कूलर्स टैंक्स क्लीन. जहाँ पे आप पानी रखते हैं जैसे मटका हो गया, कूलर हो गया, टंकी को साफ कीजिए. देयर शुड बी ड्राइड एवरी वीक. और उस टंकी को जहाँ पानी रखा जाता है उसे हर हफ्ते साफ करना चाहिए. स्टूडेंट हियर यू कैन सी देयर इज अ वन पीक. यू कैन सी द ओल्ड डर्टी वाटर. It is the collected in the glass, which is this water is very old. 1 week, 2-3 week is old. Then you can see mosquitoes are produced in the dirty and stagnant water. Stagnant means जहाँ पे पानी बहुत देर तक रुका हुआ होता है वहाँ पे मच्छरों के अंडे पैदा हो जाते हैं, produce हो जाते हैं. Here you can see. Now द मॉस्किटोज लार्वा सीन थ्रू हैंड लेंस एंड दिस इज द पीक ऑफ लार्वा. यू कैन सी जब मच्छर पानी में होते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं. ओके स्टूडेंट नाउ नाउ हियर स्टूडेंट फाइंड आउट विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ. आपको ये पता लगाना है कि कौन सी डिजीज ऐसी है, बीमारी या रोग जो फैलती है बाय फ्लाइज मधुमक्खी से. हाउ मॉस्किटो चेक. डिवाइड योर क्लास इंटू 2 or 3 groups. ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन स्कूल और अराउंड इट. अपने ग्रुप को 3 group में डिवाइड कीजिए अपने क्लास को और हर एक ग्रुप को अपने स्कूल के आसपास के एरिया में भेज दीजिए जो ये चेक करेंगे कि कहाँ पे पानी इकट्ठा है. इट मस्ट केयरफुली नॉट इफ वाटर हैज कलेक्टेड एनीवेयर. इट मस्ट
केयरफुली नोट, हमें ये ध्यानपूर्वक जानना चाहिए, इफ वाटर हैज कलेक्टेड, अगर कहीं पे पानी रुका हुआ है, जमा हुआ है, इफ वाटर हैज कलेक्टेड एनी वेयर, कहीं भी, एंड मार्क वेयर इट फाइंड स्टैग्नेंट वाटर, और जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहाँ पे टिक कीजिए। स्टूडेंट, ऑप्शन इज पोर्ट, कूलर, टैंक, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, गटर, एनी अदर प्लेस। सिंस हाउ मेनी डेज हैज वाटर कलेक्टेड देयर, कितने दिनों से वह पानी इकट्ठा है वो मेंशन करो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, उस जगह को साफ करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है वो भी मेंशन कीजिए। हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर, किसको सौंपा गया है गटर और नाले की सफाई के लिए। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या आपको जमा हुए एकत्रित हुए पानी में कोई आपको लार्वा दिखा, मच्छर के अंडे दिखे। हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, राइट, क्या उस पानी से, उस गंदे पानी से कुछ उस एरिया में कुछ तकलीफ हुई है, लिखिए। मेक अ पोस्टर, इन ए ग्रुप मेक अ पोस्टर विथ मैसेज टू कीप द कूलर टैंक ड्रेन्स द एरिया क्लीन। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा कुछ पॉइंट या टेबल या कुछ मैसेज बनाइए जिससे आप अपने स्कूल के बाहर जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जहाँ कचरा फेंका जाता है, वहाँ पे मैसेज लिख दीजिए कि डू नॉट थ्रू गार्बेज एंड डू नॉट कलेक्ट योर वाटर, डोंट, वी शुड क्लीन अवर टैंक पॉट एवरी मटेरियल्स इन विच वी आर कलेक्टिंग वाटर। ओके स्टूडेंट, एंड वी शुड क्लीन स्टैग्नेंट वाटर, वी शुड रिमूव स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम एनी एनी मटेरियल इन विच वाटर हैज कलेक्टेड। हमें वो सारी वस्तु को साफ करना चाहिए जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ नाउ हियर स्टूडेंट, हियर स्टूडेंट आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, मच्छरों का इलाज। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज मॉस्किटोज, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ मॉस्किटोज, मच्छर क्या हैं, मच्छर कैसे फैलता है, और मच्छर से कौन कौन से डिजीज होते हैं, और मच्छरों को दूर रखने के लिए वी शुड यूज मॉस्किटोज मॉस्किटो नेट, हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। इन नाइट इन रेनी सीजन, इन नाइट वी शुड स्लीप इन इन प्रेजेंस ऑफ मॉस्किटोज नेट, हमें इन द मॉस्किटोज नेट, बारिश के सीजन, बारिश के महीनों में हमें मच्छरदानी के अंदर सोना चाहिए। सो वी प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द मॉस्किटोज, सो हम अपने शरीर को, हमारे शरीर को हम मच्छरों की आतंक से हम बचा सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट यू हैव इंजॉयड माई वीडियो, आपने यू मे हैव इंजॉयड माई वीडियो, आपने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग नॉलेज मिली होगी कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, टिल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।